तो चलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और मैं थोड़ा सा परेशान इस वक्त, और वजह है गर्मी और पानी का ना होना। जोरू भाई, जोरू भाई आपका? जिलू भाई, जिलू भाई, जोरू भाई। हाँ, और ये आपका घर है इधर? चप्पल का क्या करे, जिंदगी खराब हो गई। देखो एकदम से तेज बारिश आई है, अचानक कहना चाहिए। वो देखो बड़ी तेज बारिश आई है यार ये तो। लो जी सफर शुरू कर दिया इधर से। टाइम करीब 4:15 का हो गया है। दूर तक भाई हो सकती है गांव के इलाके में तो अच्छी खबर। बाबा जी बगदाना के लिए, बगदाना आपको मेरे राइट में देखना है। इतना ऊंचा पहाड़ है ये, बढ़िया यार, ये अनएक्सपेक्टेड था। बड़ा भी है, बड़ा यही है। कितना हुआ? कुछ नहीं लेने का मेरे को। नहीं नहीं मैं पैसे दे के जाऊंगा, ऐसे नहीं है। कितना हुआ है? 90,000। बताओ ना आप। ना ना का जोते नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप बोलिए कितना। फ्री में नहीं ले सकता मैं। 10 रुपया। दस तो कम है। बस बस 10। इतने सारे लिए मैंने, उतना तो लो जितने का आपको कॉस्ट किया। 10 दे दो इतने सब आ जाएगा। बता देखो क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है मेरे साथ। ज्यादातर जगह पे यही होता है, मैं पैसे देने को चाहता हूँ, लेते नहीं है लोग। पूरा गुजरात ऐसा है, अकेले ये नहीं है। तो आपका मजा से दादा का। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान आपका नाम है। तो इमरान भाई भी देखो वैसे ही पैसे लेने को तैयार नहीं है, जबकि पता नहीं कितने ये हैं, 10 से ज़्यादा ही लग रहे हैं मेरे को। और 3 बड़े वाले भी लिए मैंने, आज ही ख़त्म हुए थे ना सुबह, आपने देखा जब पंचर लगा रहा था। 20 चलेगा? नहीं नहीं 10। 10 पे रुक गया सुई। चलिए मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। इस यात्रा में आपका भी योगदान है। अब फाकी खाओ। हाँ फाकी खाओ। नहीं मैं नहीं खाता। फाकी नहीं खाता। चलिए इमरान भाई थैंक यू। अभी बगदाना कितना रह गया इधर से? 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। अच्छा मिलेंगे फिर किस्मत में, रातों किसी मोड पे किसी जगह। चलिए वीडियो देखना आप। हाँ ओके बाय। भारी साइकिल है, बैलेंस करना वैसे ही मुश्किल है। चलो तो जी पंचर के जो स्टिकर होते हैं ना जो पेस्ट करते हैं वो हो गया ख़त्म, ले लिए। अब स्टॉक है अपने पास, कई दिन निकल जाएंगे। आसराना चौकी चौकड़ी तो वो उधर से आएगी। अरे बगदाना जाने का है ना? बगदाना जाने का है वो, उधर से छोटा रास्ता आता है, ऐसा ही रास्ता होगा। चलो अब आप इतनी दूर चल के आए हो ना इमरान भाई, अब आपके रास्ते से जाएंगे, कोई बात नहीं। इसको दिखाने दो, वो जो ट्रक खड़ा है वहाँ से मुड़ जाना है। यहाँ से मुड़ जाना है वो लेफ्ट साइड से, वो अच्छा ना आएगा। तो बाइक पे बैठ के इमरान भाई यहाँ तक आए बताओ। बताने के लिए बहुत दूर पड़ेगा यार ये तुम्हारे से। अच्छा ठीक है इमरान भाई शुक्रिया। इन्होंने लिखा कि मैं सीधा जा रहा हूँ, तो ये बाइक लेके पीछे पीछे आए और बोल रहे हैं कि आपको सीधे नहीं जाना है, इधर से जाओगे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। पर गूगल मैप ऐसा नहीं कह रहा है, गूगल मैप उल्टा बोल रहा है कि जिस रास्ते को ये दिखा रहा है वो 2 किलोमीटर कम ही है, ज़्यादा नहीं है। पर इतना दूर चल के आए मैं उनको रिगार्ड करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं वापस जाऊँगा अब, और वो रास्ता लूँगा जो इमरान भाई बता रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आपके लिए भी लर्निंग है, मेरे लिए भी लर्निंग है ना। तो खाकरिया धार, धार मतलब वो जो जगह है ना उसके हिसाब से नाम था। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट जाने को बोल रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिखा है, नवागाम। चलो चल के देखते हैं। पुलिस चौकड़ी इधर आसाना वाला? हाँ आसाना चौकड़ी। आसाना चौकड़ी इधर आएगा? हाँ। इतना तो मैंने सीख लिया, बरोबर छे ठीक। चलो चल दिए इस सड़क पे, यार ये तो बुरी हालत है सड़क की यहाँ पर, ये पुल के ऊपर है ना, बुरी है भी तो क्या। बड़े बड़े क्लिप बन रहे हैं इस वक्त। केम चो मजा माँ? हाँ मोज। हाँ गेर से माँ? हाँ नहीं इतना गुजराती समझ में नहीं आता, बारिया तेरिया कितने छे गेर। चलो पुलिस चौकड़ी इधर ना। हाँ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोगी धरना नहीं तो अपनी साइड पे रुको, मैं इधर से जा रहा हूँ। बस थैंक यू।
साइकिल की चेन में है दिक्कत, अटक रही है बार बार, लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है, तो लगाता हूँ इसको, दिक्कत सॉल्व हो जानी चाहिए इसके बाद, कहीं खड़ी कर पाता तो ठीक रहता। चलो कहीं लगाते हैं साइकिल को, फिर करते हैं ये काम। बारिश में ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है गियर वाले साइकिल में, अगर लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम है तो ये दिक्कत करेगा। दीवार के सहारे खड़ी करता हूँ साइकिल को, पर मैंने ग्रीस बहुत अंदर रखा हुआ है कहीं छिपा के, बाहर नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। चेक करता हूँ शायद ग्रीस मिल जाए, क्योंकि चेन फंस इसलिए रही है क्योंकि उसमें पानी की जाने की वजह से ना जंग लग गया है। मुझे हेल्प मिली है इन लोगों की, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं इसमें ग्रीस लगा देता हूँ। कहाँ से आ रहा है? मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, चंडीगढ़ पंजाब में है। पंजाब से साइकिल चला के आए? पंजाब से साइकिल चला के आए। खत्म ही हो गया इसका तो फायदा नहीं, पूरी दुनिया साइकिल पे घूमनी है। चलो थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाय बाय। हाँ ये गियर ही तो चल रहा है। यारो सुन लो जरा तुम अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, मंगला गाड़ी नहीं ना सही, बैंक बैलेंस नहीं ना सही, इनकी हमको क्या है फिकर, जिए जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो जरा तुम अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। गुणवंत मकवाना और आप चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, फौजी उधर, फौजी चंडी मंदिर में पोस्टेड, चंडी मंदिर है वो तो गढ़ है, मेन तो चौक उधर ही है, आर्मी कंटोनमेंट एरिया। गुड है, बहुत अच्छा। तो अभी मैं निकल रहा था, इन्होंने मेरे यहाँ चंडीगढ़ लिखा हुआ देखा ना, तब रोका मुझे कहते चंडीगढ़ पढ़ते ही दिल पे लगी बात है, चंडीगढ़ का बंदा इधर आ गया, बहुत बढ़िया, होता ही है ऐसा। हाँ। और बताइए सब ठीक चल रहा है? गुड है। शाम के 5:20 हो चुके हैं, आसाराना चौकी है पीछे, चौकड़ी बोलते हैं यहाँ उसको, तो आसाराना चौकड़ी यानी कि चौक से मैंने लेफ्ट टर्न लिया है। अब डिस्टेंस दिखा रहा मुझे 32 किलोमीटर, तो ये रास्ता 32 किलोमीटर पर चल के मैं पहुंच जाऊंगा बगदाना, जो कि एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, और इसकी पूरी कहानी, इतिहास और वहां के जो दर्शन है वो आपको मैं एक पूरा एपिसोड बना के कराऊंगा। जैसे भी कि मैं आज तक करता आ रहा हूं, जिस भी धार्मिक स्थल पर मैं जाता हूं वहां की पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वैसा ही बगदाना के साथ भी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। साइकिल की हालत काफ़ी ख़राब लग रही है मुझे इस वक्त, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक दिन और एक्स्ट्रा वहाँ रुकूँ और वीडियो एक्स्ट्रा एडिट करने के साथ साथ साइकिल की सर्विस भी कर दूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चलाता रहा तो ये जवाब दे जाएगी कुछ टाइम के बाद। दिक्कत है चेन सेट और गियर सेट के साथ, एक नट तो उसका निकल के कहीं खो ही गया है, एक ही नट पर चल रहा है, तो उसका कुछ अरेंजमेंट करूँगा, हो सकता है भावनगर पहुँचूँ तो प्रॉपर तरीके से एक सर्विस करा दूँ, क्योंकि साइकिल तो चलेगी नहीं तो पहुँचेंगे कैसे, है ना। तो बस टायर भी चेंज कराने वाला हो गया है, काफ़ी सारे काम हैं। लगता है किसी की डेथ हुई है, ये सब औरतें उसके घर या उसके जनाजे में शामिल होने जा रही हैं, किसी का कोई अपना छोड़ के चला गया है, तो दुख की बात है। सड़क की हालत बहुत ख़राब, मतलब रेजिडेंशियल एरिया अगर आ गया, गांव आ गया, कस्बा आ गया, तो आप सड़क के अच्छे होने की एक्सपेक्टेशन भूल जाओ, तो ख़राब है ये कंफर्म है। तो जब भी आप क्रॉस करेंगे कोई रेजिडेंशियल एरिया लोकेलिटी, तो वहाँ सड़क ऐसी ही मिलेगी 100%। क्या क्या दिखेगा आपको हमारे देश की सड़कों पे, यहाँ रह के मैं शो बोलने लग गया हूँ।
गुजरात सरकार वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल खराब कर दिया इधर का। सीधा ही जाना है शायद। हाँ मैप भी बोल रहा है सीधे चलो। अब ये ढलान आ गई है यहाँ पर, उसके बाद चढ़ाई है सीधी ऊपर, तो ये नदी वाला कोई इलाका लग रहा है जिसके वो बीच में सड़क बना दी गई है और पुल है बीच में छोटा सा। आजकल यही हो गया, पानी घट गया, नदी की चौड़ाई उतनी ही है तो हिस्से को ढलान में वैसे ही रखते हैं और जहाँ अभी पानी है उतने एरिया में पुल बनाया जा रहा है आजकल। लो जी ये हम पहुँचे। अब नीचे औरतें पानी में कपड़े धो रही हैं नदी के अंदर। मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, आई फील के गलत ना हो जाए कुछ, मे बी समबडी विल पुट ऑब्जेक्शन ऑन दैट, बट बता दिया मैंने आपको कि औरतें कपड़े धो रही हैं समंदर नदी के पानी में। अब मुझे सीधे ऊपर स्लाइड करनी है और उसके बाद राइट टर्न करना है। टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है इस रास्ते पे और रात को भी चलना पड़ेगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो बगदाना के लिए इधर जाना है अच्छा, नहीं तो पैसे कितने हुए? कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो, ऐसे में क्या थोड़ा सा किस्त देने में पैसा थोड़ी ना लगता है। अच्छा नाम क्या आपका? राजू भाटी। राजू भाटी, चलो राजू भाई थैंक यू। देखो ऐसे छोटी छोटी मदद मिलती रहती है, सफ़र करता रहता पता भी नहीं चलता। तो अभी कितना दूर है यहाँ से बगदाना? बगदाना 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर है। ये आपका लड़की है? आपकी बच्ची है छोटी। हाँ नाम क्या है इसका? आरोही। आरोही है, तो राजू और आरोही हैं। उन्होंने ग्रीस लगा दिया साइकिल पे, अब लग रहा है थोड़ा आराम से निकल जाएगी। भावनगर जाके मुझे चेंज करानी पड़ेगी, एकदम खत्म हो गई है। चलिए थैंक यू। पानी बन रहा है? नहीं चाय की इच्छा नहीं है। बन रही है, मैंने बोल दिया। लो जी आप बोल भी दिया आपने, चलो चाय पी के चलते फिर अगर राजू भाई ने बोल दिया तो। पंखे पे चलो लीजिए दोस्तों, निकाय लोकेलिटी के बाहर और सड़क वापस फिर से ठीक हो गई है। अब ये कनेक्शन आप समझो, लोगों की वजह से सड़क ख़राब होती है या सड़क ख़राब है और उसको ख़राब रखा जाता है लोकेलिटी के अंदर, कोई तो कनेक्शन है इन दोनों बातों में। मैंने अचानक से एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, एकदम से केले के बहुत बड़े बड़े दूर तक फैले हुए बाग नज़र आने शुरू हो गए मुझे। अब से पहले केले के इस तरह के बाग मैंने नहीं देखे, दूर तक फैले हुए बाग हैं। रास्ता भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है दोनों तरफ। ये देखो केले कैसे लगे हैं। सो प्लान में सडन सा चेंज लेकर के आया हूँ। अभी 6:10 का टाइम है, 25 किलोमीटर और जाना है और जो मेरी कोशिश होती है कि लेट नाइट ट्रैवल ना करूँ, दो कोई रिस्क है नहीं इस तरह का, बट फिर भी यहाँ पर एक मंदिर है आशापुरा माता का मंदिर और मैं जब यहाँ रुका था कुछ खाने के लिए, कुछ खाने की इच्छा हुई क्योंकि भूख लगाई थी, भाई ने मेरे को ऑफर किया कि आप रुक जाओ रात को और मैंने इनकी बात मान ली। अब मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। अपना नाम बता देंगे मेरे को? सुखा भाई। सुखा भाई नाम है आपका और ये जगह कौन सी है? आशापुरा मंदिर। आशापुरा मंदिर और ये गाँव किस तरफ का? मोटा कुटोड़ा गाँव है। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे नहीं जाता हूँ, रात को ट्रैवल नहीं करते क्योंकि सड़क की हालत बड़ी ख़राब बता रहे हैं, तो मैं यहीं पर रुकूंगा और यहाँ से देखो खेतों के बीच में रुकने का आनंद भी अलग है। तो वैसे भी मैंने कोई वीडियो कल के लिए बनाई नहीं है, आज भी वीडियो रिलीज़ नहीं की है, तो मेरी कोशिश है कि ये जो 2-3 घंटे मिले हैं ना कुछ काम निपटा लो बैठ करके। तो यहाँ पे आज रुक रहा हूँ, आगे जो भी होगा अपडेट आता रहेगा। अभी के लिए तो मैं यहाँ ठहरने का डिसाइड कर चुका हूँ, आगे आज नहीं जा रहा हूँ, बगदाना कल पहुँचेंगे सुबह को। है ये क्या था? ये नया स्टाइल है। अरे बाप रे, तुमने हाथ में उठा लिया रस्सी से फेंक के, क्या टैलेंट है रोहित, ये तो कमाल है यार।